वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ दोस्तों आप अच्छे हो गए। हम जाएंगे रॉयल इनफील्ड के शोरूम, वहाँ पे दो बाइकें लॉन्च हुई हैं, उनका इंस्पेक्शन करेंगे, आपको दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में आप नीचे बताना आपको कैसी लगी। चलो चलते हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी रॉयल इनफील्ड के शोरूम और आज लॉन्च हुई है, आपको दिखाते हैं उनमें है क्या और डिफरेंस क्या है, जो सिंपल है उसमें क्या है और अलग है उसमें क्या है। अपने ये भाई हैं जीतू भाई, ये आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। बताओ जीतू भाई। बेसिक मॉडल है फायरवॉल मीटियोर 350, जिसमें आपके कंपनी अभी सिंपल दो कलर लॉन्च कर रहे हैं, आपका एक रेड और एक येलो। सिर्फ बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि कलर टैंक जो फ्यूल टैंक है वो कलर चेंज हो जाएगा, बाकी इसमें आप कस्टमाइज करना चाहें वो कलर ऑप्शन बहुत है और उनकी रेंज अलग अलग है। तो उसकी रेंज अभी आ रही है 1,99,000 आ गया। ठीक है ठीक है सर। इसमें सिंपल आपका बैक रेस्ट नहीं होगा, आप इसमें कस्टमाइज में लगवाना चाहो उसकी कॉस्ट अलग है, इसकी ऑनलाइन में बुकिंग रहेगी और जो भी डिलीवरी टाइम होगा डेट होगा वो आपको ऑनलाइन जैसे बुकिंग होगी उसके बाद ही आपको स्क्रीन पे मैनुअल आएगा कि आपकी डेटिंग और डिलीवरी डेट क्या रहेगी। 28 BHP। ये इसका एक प्लस लगा लो या माइनस पॉइंट लगा लो, ये इसमें किक नहीं है। ये देखो किक नहीं है, क्लासिक में किक आती है। ये देखो जैसे गया है, जो न्यू इंजन है उनमें किक नहीं है। इसमें दो कलर आए हैं, एक तो ये कलर आपको दिख रहा है, दोनों में ABS और 15 लीटर फुल टैंक किक लेस और टायर का साइज सेम 140/70/17 ABS। किक नहीं है इसमें, दोनों ABS है और आपको ये देखो इसमें C8 के टायर, वो भी ट्यूबलेस दोनों में। इसमें आपके कलर जो कंपनी लॉन्च करे हैं टू कलर करे हैं, एक आपके ब्राउन और एक आपका ब्लू कलर। ये डुअल टोन कलर में आता है, इसका मोनोग्राम अलग है डिफरेंट, प्लस आपका इसमें क्रोमिंग काम ज़्यादा है, जैसे मिरर क्रोमिंग हो गए, एग्जॉस्ट क्रोमिंग हो गया, आपका अलॉय व्हील में भी क्रोमिंग है। ठीक है, इसका जो ऑन रोड प्राइस कंपनी अभी डिसाइड कर रही है वो 2,15,000 ऑन रोड। सेम पेंटिंग आपको ऑनलाइन और बुकिंग करनी पड़ेगी उसी के बाद डिसाइड होगी। और इसमें भी आप कस्टमाइज भी कराना चाहो तो दो कलर ऑप्शन में, एक सिल्वर है और एक आपका क्रीम कलर है। बैक रेस्ट के साथ में सुपरनोवा मॉडल में 15 लीटर का टैंक फ्यूल टैंक दिया है जो कि बहुत बेटर दिया है, एक जो इसका फ्यूल टैंक का लॉक है वो एक डिफरेंट लुक दिया, एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। प्लस आपका डिस्क ब्रेक की बात करें तो 300 mm की आपकी डिस्क ब्रेक फ्रंट है ABS के साथ में, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक है, होल चैनल ABS है, के मीटियोर की चाबी है। जो आपके चाबी इनके बारे में, सबसे पहले बाइक की एक देख रहे होंगे नए लुक में निकाली है रॉयल एनफील्ड ने, और सेकंड मैं इसको ऑन करता हूँ, जैसे मैं इग्निशन ऑन करूँगा इसमें आपका जो मीटर है स्पीडोमीटर वो आपका एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर है, इसमें आप टाइम किलोमीटर एवरेज ट्रिप गियर शिफ्टिंग ट्रिप ए ट्रिप बी सारा इंडिकेशन चालू रहेगा।
साथ ही साथ आपको एक नेविगेशन ट्रिपल मीटर दे दिया जिसमें आपका नेविगेशन जीपीआरएस कनेक्टेड रहेगा आपके फोन के ब्लूटूथ के साथ, जिसमें आपके डायरेक्शन कितना आपका डिस्टेंस है, कितना आप कवर कर चुके हो, कितने टर्न आपका टर्न पर राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, सारे इंडिकेशन इसमें रहेगा। सेकेंडली जो आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपका जो स्टार्ट बटन आता था वो एक डिफरेंट लुक में दे दिया, ये आपका स्टार्ट ऑफ है, ये इंजन ऑफ हुआ ऑन। साउंड क्वालिटी है एग्जॉस्ट की, आप लाइटिंग क्यों बेसिकली इसमें क्या सीन है, ये पावर किल स्विच है। अब ये यहाँ पे पावर किल हो गया, यहाँ पे आपका इग्निशन ऑन हो गया, मतलब इंजन ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे इसको तो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हैजर्ड बटन दिया हुआ है, इसमें चारों इंडिकेटर्स एक साथ करता हो जाएगा। ये साथ में आप राइट इंडिकेशन लेफ्ट इंडिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका लाइट स्ट्रेट के लिए, ये लाइट डाउन के लिए, और ये पासिंग हाई बीम लो बीम पासिंग के लिए, और ये आपका ट्रिप वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे ऑडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सब चीज़ें, टाइमिंग, टाइम क्लॉक वगैरह सब, टाइम क्लॉक डिजिटल इसमें भी देखेगा, नॉर्मल स्पीडोमीटर में भी देखेगा। जैसे आप ऑन करोगे, जब आप नेविगेशन चालू करना चाह रहे हो, ट्रिपर मीटर ऑन करना चाह रहे हो, तो उसमें जैसे हेलमेट आपका ऑरेंज है तो मतलब आपने हेलमेट पहना नहीं है। जब आप हेलमेट पहन के कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे ग्रीन हेलमेट बन जाएगा। जैसे अभी ऑन करूँगा, ये ऑन ऑरेंज कलर का, रेड कलर का और हेलमेट आ, ये ग्रीन हो गया। ये फीचर एक्स्ट्रा दिए इसमें। टायर का साइज तो रहेगा 190/19, ठीक है, और LED है पूरी, और इसमें बीच में लाइट में लोगो दिया हुआ है रॉयल इनफील्ड का। और सबसे बड़ी बात है ये देखो, चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं इसमें, इसमें अलग से स्विच दिया हुआ है, ये देखो इसमें अलग से स्विच दिया हुआ है, चारों इंडिकेटर एक बार ऑन कर सकते हो आप। और ये देखो, ये इसमें गाड़ी ऑफ ऑन, और ये सेल्फ, ये सेल्फ का हो या भी ये हो, और ये इधर दे दिया लो बीम, हाई बीम, और ये पासिंग, ये ऐसे, और ये करते हैं ट्रिप, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इससे करते हैं ट्रिप। ये अपने ट्रिप भी हो जाएगी, टाइम भी हो जाएगा इसमें, किलोमीटर, ये इसमें अपना आएगा, ये देखो ऑडोमीटर, ये ट्रिप, और ये ट्रिप बी, ट्रिप एफ, टाइमिंग आएगा, ये गियर कैपेसिटी आ जाएगी, हाँ ये न्यूट्रल, ये ABS, ये बैटरी का, ये फ्यूल का, ये चारों इंडिकेटर, पासिंग लाइट, और ये अपना ये ट्रिपर मीटर, इसमें आप नेविगेशन मीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इसमें जैसे हेलमेट का निशान आएगा स्टार्टिंग करते समय, और हेलमेट लगा लोगे तो आपका ग्रीन हो जाएगा, अभी वो रेड होगा सिंपल। ये देखो अभी रेड रहेगा, ये देखो रेड दिख रहा है अभी, गूगल से कनेक्ट करके अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे तब ये ग्रीन होगा। और इसमें एक अच्छी बात ये है, ये देखो डिफरेंट दिया है, ये टंकी का जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये ऊपर से खुलता है ऐसे, और जो ये जो शाइनिंग क्रोम में दिया है ना, ये कितना जबरदस्त लुक दिया, ये गाड़ी की डबल लुक बढ़ा रहा है, और एक बीच में लुक ये दिया हुआ क्रोम में, ये देखो आप दिख रहा होगा, और यहाँ पे कितना शाइनिंग लोगो दिया हुआ, ये देखो ना अच्छा लग रहा है। और इसका सबसे ये देखो सीट देखो कितनी सॉफ्ट दी हुई है, और ये अच्छा बैकरेस्ट है, फिनिशिंग बहुत ही, ये देखो कितना पहले नहीं आता था, अब इसमें
आ रहा है क्वालिटी का बैकलाइट है। और सबसे ये देखो यूनिक चेंज एलईडी, पहला एलईडी एलईडी टेल लाइट, टेल लाइट ये ले, ये कितना अच्छा दिख रहा है ये देखो। डबल कलर में है ये देख, ये एल्युमिनियम के दिए हुए, ये देखो एल्युमिनियम, ये भी एल्युमिनियम, और जो ये है इसमें सिंपल ब्लैक वाले दिए हुए हैं, ये देखो आपको दिख रहे होंगे ये ब्लैक, बहुत ही बेहतरीन, क्या बात, क्या प्यारी लग रही। बात करी जाए तो इसमें क्लासिक में जो आता था ना सेम ही है, इसका कलर डिफरेंस है ब्लैक, ब्लैक है सेम, ये लोक दे दिया यहाँ पे, उसके कंपैरिजन ये ब्लैक कर दिया। हाँ, ये स्टैंड का स्विच दिया हुआ है, स्टैंड लगा स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हो जाएगी बट गियर में जैसे ही डालो गाड़ी सेंसर वर्क नहीं करेगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। इसको ऑन करेंगे जैसे स्टैंड लगा रहेगा, हाँ अभी गियर डालेंगे तो ये बंद हो जाएगी। इसमें ये देखिए चैन के लिए नीचे टच ना हो, ये देखो इसमें अलग से एक ब्रैकेट लगाई हुई है प्लास्टिक की, जो कि आपको चेसी से टच ना हो। ये ऊपर भी दे रखी है और नीचे भी, ये देखो आपको दिख रही होगी ये, और जो इसका डिस्क का पीछे का साइज है 240 mm, ठीक है, और डिस्क ब्रेक साइज ABS है। ये आपका टॉप मॉडल है सुपरनोवा ब्राउन कलर में, इसमें दो कलर हैं, एक तो ये और एक ये एक ब्लू, इसमें दो कलर की आपकी चॉइस है, बाकी कस्टम में आप दो कलर और करा सकते हो, ग्रे और ग्रीन कलर। इसमें एक क्लासिक से इसमें बेटर एक चीज दी हुई है, इसमें स्टेयरिंग में ही लॉक है, ये देखो ये लॉक लिखा हुआ है बाकायदा, ये देखिए लॉक इसी में लॉक है, ऑफ ऑन लॉक। इन भाइयों ने हमारी बताने में काफ़ी मदद करी और बहुत काफ़ी मतलब बेहतरीन है, क्यों मतलब इतना मेरे को नॉलेज है, मैंने डिस्कस किया और क्लासिक से बेटर है, क्लासिक से बेटर, क्लासिक से बहुत बेटर, मच बेटर, मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी मैंने अपना राइडिंग चलाया, अच्छा लगा। इन्होंने टेस्ट ड्राइव ली है पर हमने टेस्ट ड्राइव लेनी है करीब एक हफ्ता समथिंग, एक हफ्ते के समथिंग टेस्ट ड्राइव लेंगे, उसके बाद और बताएंगे, ठीक है। होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।